नब की लापरवाही से पीतल नगरी के गोकल बाजार के हाल हुए बेहाल। रोजाना स्कूटी सहित गड्ढों में गिरते हैं महिला और बच्चे। रोजाना फंसते हैं 3 और 4 पहिया वाहन। फंसा वाहन निकालने के लिए क्रेन वाला लेता है 1,500-2,000 रुपए। जब से बने नाले तभी से समस्या। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सड़क भी जगह जगह से गड्ढों में समा चुकी है। कई बार सड़कों की शिकायत कर चुके बाजार यूनियन के पदाधिकारी, लेकिन परिषद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन गड्ढों में महिलाएं और बच्चे स्कूटी सहित गिरते हैं, जिन्हें दुकानदार ही उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। अब हालात इतने बदतर हो गए हैं कि दुकानदार दुकानें तो समय पर खोलकर बैठ जाते हैं, लेकिन ग्राहक आना बंद हो गए हैं। प्रशासन की इस अनदेखी से गोकल गेट व्यापार मंडल में आक्रोश है। अब सिर्फ नए उपायुक्त अशोक गर्ग से ही कार्यवाही की उम्मीद बंधी हुई है। यह कहना है गोकल गेट व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन अग्रवाल का। अब आप ही सुनिए व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं दुकानदारों ने क्या कहा। सर, आपका? विपिन अग्रवाल, मैं गोकल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रधान हूँ। और इस वक्त बाजार में बहुत भारी समस्या चल रही है। बाजार में सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है। दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, नाली का पानी भरा हुआ है। अगर बारिश आ जाती है तो बारिश का पानी भर जाता है। सड़क के बीच बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिसमें आए दिन लेडीज़, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे स्कूटर से आते हैं, स्कूटी एक्टिवा से आते हैं और टकरा के गिर जाते हैं और डिवाइडर से सिर फूट जाते हैं। कई तो महिलाओं के टांके भी लगे माथे पे। और इसकी हम शिकायत नगर पालिका में भी दे चुके हैं और एक दिन हम DC साहब से भी मिले थे इस विषय में। शहर का मेन बाज़ार है गोकल बाज़ार ट्रेडर्स। ये जो गोकल बाज़ार है, शहर का मेन बाज़ार है, ऐतिहासिक बाज़ार बोला जाता है इसको। और आज इस बाज़ार की हालत इतनी खस्ता हो रखी है, इतनी नाजुक हो रखी है कि जो हमारे मिलने जुलने वाले मॉडल टाउन में रहते हैं, सेक्टर 3 सेक्टर 4 में रहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो आए 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं बाज़ार में, क्यों नहीं आते। कि बाज़ार की व्यवस्था इतनी गंदी है कि आजकल ये नाले बन रहे हैं, नाले बनने की वजह से दोनों तरफ पानी भर जाता है। नाली का पानी होता है गंदा, पता नहीं लगता कहाँ गड्ढा है कहाँ पानी है। बहुत लोग गिर चुके हैं, हाथ पैर टूट चुके हैं, प्लास्टर बन चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई भी नहीं है। आजकल बाथरूम का बहुत बुरा हाल है। बाथरूम के बाहर काम हुआ था, नाला बनाया था, लेकिन वो नाला पूरा टूटा हुआ है, पत्थर ही पत्थर भरे पड़े हैं। कोई सफाई की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। गोकल गेट के साथ में एक चैम्बर बना हुआ है जो केवल बाज़ार से जुड़ता है, उसके बीच में एक लोहे का चैम्बर बना हुआ था नाले के ऊपर, उसकी भी शिकायत हम नगर पालिका में कर चुके, लेकिन वो पहले धंसा हुआ था, फिर और धंस गया और उसके बाद अब वो पूरा गायब हो गया, अब गड्ढा बन चुका है। अगर कोई गाड़ी वहाँ से निकलती है और वो फंस जाती है तो उनको क्रेन बुलानी पड़ती है और क्रेन बुलाकर क्रेन वाला उनसे 1500-1500 रुपये रोज़ लेता है। कोई ना कोई उसमें फंसता है, रोज़ 3-4 गाड़ी फंसती है और रोज़ 3-4 बार क्रेन वाले को बुलाया जाता है और वो हर आदमी से, हर गाड़ी वाले से 1500-2000 ऐसे अपने धड़क के ले जाता है। तो हम तो बहुत दुखी हैं इस चीज़ के लिए। बाज़ार वाले आए दिन कहते रहते प्रधान जी सफाई की व्यवस्था क्या है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता इसकी शिकायत किससे करें। नगर पालिका में करें तो वहाँ सुनता नहीं है कोई। अभी हमने 3-4 दिन पहले DC साहब को भी दिया है एक ज्ञापन, अगर हमारी कोई सुनवाई कर ले तो हमें बड़ी मेहरबानी होगी। शायद आपके चैनल के माध्यम से भी अगर बड़े लोगों तक, नगर पालिका तक हमारी बात पहुँच जाए तो हम तो आपके चैनल को भी धन्यवाद करेंगे कि आपके चैनल के थ्रू ही सही है, लेकिन हमारे की व्यवस्था तो सही हुई कम से कम। प्रधान जी, ये समस्या कब से आ रही है? ये जब से नाले बने हैं जी, जब से ही ये व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि कोई धनी धोड़ी है ही नहीं, कोई समझ में नहीं आता किससे शिकायत करें। नगर पालिका भी आजकल ध्यान कम दे रही है, पता नहीं किस शहर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। जैसे आप बता रहे नगर परिषद में भी शिकायत दे सके, DC को भी दे सके, लेकिन कहाँ पे फंसा हुआ है जो ये समस्या आपकी सुने नहीं दे। अब देखो गड्ढे कौन भरेगा, इस वक्त नाली का पानी भी भरा है, कई बार बारिश भी आ जाती है, तो गड्ढे कौन भरेगा?
अब ये समस्या है कि गड्ढे नगर पालिका भरवाती है तो नगर पालिका को भरवाना चाहिए, जनता को परेशानी हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आजकल छोटे छोटे बच्चे एक्टिवा चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आ गई, बच्चे चला रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं, जवान महिलाएं भी चला रही हैं, लेकिन उनको पता नहीं लगता ये नाला है, गड्ढा है, क्या है। वो टकरा जाती हैं और गिरती हैं, गिरने से सीधा डिवाइडर से सिर फूटता है उनका। तो बहुत बार तो हम लोग उनको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, कहीं यहीं पर ही लंबी हो जाती हैं, क्या करें। ये व्यवस्था तो कमेटी को कम से कम बनानी ही पड़ेगी। बीच में डिवाइडर लगे हुए हैं, इस वक्त डिवाइडर की वजह से बहुत समस्या आ रही है। कोई टेढ़ा रखा है, कोई मेढ़ा रखा है, कोई उसकी सीधा भी नहीं करवाते हैं, ना उनको कोई हटवाता है, पर क्या करें। क्या मांग है आपकी? हमारी तो मांग यही है, बाजार की व्यवस्था ठीक कीजिए, जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। मेन बाजार है, खाली बड़ा है बाजार, काम धंधा कुछ नहीं है, कोई आना नहीं चाहता, ग्राहक आना नहीं चाहता, कैसे होगी बाजार की व्यवस्था। अंकल जी, क्या इस मार्केट में क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि ना तो सफाई हो पा रही है, और ये कि मतलब ना गंदी आ रही है, ना पानी रोका ठेकेदार ने, पहले पानी का इंतजाम नहीं किया, नाले बना रहा है, नाले भी कम दो दिन खोल के पटक देता है, फिर उसके बाद है ना वो बड़ा, अभी हल्का सा जैसे लेंटर डाला, अभी बराबर वाले दुकान वाला उन्होंने तोड़वाइए तो हल्के से मलबे दिया ना, वो लेंटर टूट गया इनका, ये नाला जो टूट गया। अभी ये कह रहे हैं कि है ना मलबे से टूटा, वो कह रहे हैं कि यहाँ बनाया नहीं था, कच्चा बना रखा था पहले दिन। कितने दिन से हो रहा है ये नाला, कब से टूटा? ये 10 दिन से हो गए। क्या बोल रहे हैं ठेकेदार, आपने कहाँ शिकायत दी है? क्या कह रहा भाई, ये आगे जो है कि यहाँ का हो गया, आगे चल रहा है, आगे जब होगा गोकल गेट में, अभी एक हफ्ता और लगेगा। जो ये नाले मतलब कहीं आगे जोड़ने की बजाय जैसे दूसरे नाले में जोड़ दे इसका कनेक्शन, फिर तोड़ना चाहिए था, किस तरह से क्या करा है? पानी का इंतजाम ही नहीं किया, निकासी करी नहीं उन्होंने। कहते हैं अब ये सड़क पे आता है, हम कहते भाई पानी का निकासी करो, बोले जी कि मतलब ये मतलब एकदम हम उसमें नाले में डाल देंगे तो आगे सारा काम रुक जाएगा, नाले में पानी भर जाएगा, लेकिन आगे काम नहीं हो पाएगा। दुकानदारी पे कैसे असर पड़ रहा है? दुकानदारी खत्म हो रही है हमारी, दुकानदारी में ग्राहक आ ही नहीं पा रहा उसकी वजह से। ये नाले जो नाले की वजह से नाले टूटने से पहले कितने ग्राहक आते थे, अब कितना परसेंट आ रहे हैं? 50% रहेगा काम जी। आपका इस मार्केट में क्या क्या समस्या है? समस्या ये पानी की है मेन, तो रोड तो टूटा ही पड़ा है, तो आप क्या क्या है इसका? पानी के अलावा जो शौचालय की लाइट की, सीवरेज की, क्या क्या समस्या है? सीवरेज तो आए दिन बंद ही रहता है, जिस तरह से आप बता रहे हो नाला ऊंचा नहीं, ये क्या समस्या है? ये नाला बन रहा है, नाला लेवल में जाना था, सीधा जाना था, लेकिन सीधा नहीं था, इन्होंने बीच में मिला के एक रात में ही अपने आप काम कर दिया, हमें कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। कब से ये समस्या आ रही है? पानी की समस्या तो मुद्दा से ही है, लेकिन समस्या अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है जब से बढ़ रहा नाला। इसकी शिकायत आपने कहाँ दी है? इसकी शिकायत कहाँ दी आपने? ये अपने बाजार के प्रधान को कहा था, बोले वहाँ जा कर बात करेंगे। अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है इसको नाले को सीधा किया जाए और इस लेवल में लिया जाए ताकि पानी सीधा निकल जाए। इससे दुकानदारी पे कैसा है, कितना असर पड़ रहा है? दुकानदारी तो बाजार है, जो ठंडा है तो है, लेकिन जब पानी भरता तो बात करता नहीं दुकानदार। क्या नाम है जी आपका? क्या क्या समस्या आ रही है अपने यहाँ? समस्या यही सड़क में पत्थर पड़े हुए हैं, गाड़ी वाले गिर जाते हैं रोज रोज, जाना पड़ेगा हमें, डिवाइडर टेढ़े मेढ़े खड़े हुए हैं। कब से आ रही है समस्या? समस्या 6 महीने से हो गई। इससे हमें जो दुकान पर ग्राहक आते हैं उससे गाड़ी रहे आते कहाँ से आए, गाड़ी वाले आते नहीं कहा कोई भी। ये डिवाइडर आ रही है पानी नाला लीक होने से पहले कितने ग्राहक, कितने परसेंट आते थे, अब कितने आ रहे हैं? पहले तो ग्राहक थे ही, अब डिवाइडर लगने से और कम हो ग्राहक। अब आप व्हीकल खड़े होते नहीं, ग्राहक रुकते नहीं है बाजार के अंदर। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है डिवाइडर सीधे करवाइए, हटाइए इनको, और ये सफाई करवा के नाले पानी सफाई और पानी लाइट और शौचालय कैसी व्यवस्था? शौचालय तो बिल्कुल ख़राब पड़ा है, ना तो उसमें पानी आता है, ना उसकी सफाई होती रहेगी। क्या नाम है आपका? हेमंत। के मार्केट में क्या समस्या है? मार्केट में समस्या है, नाले में लगे और सीवरेज का पानी भरा हुआ है, पानी निकलता नहीं, जरा आने में दिक्कत होती है। तो इसकी शिकायत वगैरह आपने दी है कहीं? शिकायत नहीं दी, कल ट्रेन गिरा हुआ है तो उसने उनके साथ हुई, सुबह क्या हुई, मीडिया वाले आए थे, अब देखो क्या होता है, अभी तक तो कोई हल निकला नहीं है।